फाइनली हम जाने के लिए तैयार हैं। मिलम तो नहीं हो पाया एक्चुअली, परमिशन नहीं मिली, हमने डीएम से बात की, बट अब रालम का बना है तो रालम के लिए निकलेंगे। अब लंच कर रहे हैं यहाँ से और लंच करके निकलते हैं, तो हम सब रेडी हैं। देखो पीछे पैकिंग वगैरह सब, ये ब्यूटेन गैस वगैरह सब लेके जा रहे हैं आज, मतलब इस बार तो खुद ही ऑर्गेनाइज है। एक दो पॉटर और एक गाइड लिया हमने यहाँ से और बस निकलने वाले हैं। ये पैकिंग चालू है, मैं दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सफ़र पर, क्योंकि ये एक्चुअली अनएक्सप्लोर्ड है एंड कुमाऊँ रीजन में काफ़ी अच्छी वैली में आता है, तो मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए, ये पूरा पैकिंग हमारी चालू है। ये हमने सोनवाई से थ्रू ये पोर्टर वगैरह, ये बैगिंग पैकिंग हो चुकी है। भाई जी पूरा है, तैयार है चलने के लिए? ऑल सेट? ओके सोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरेंज कराने के लिए। गाड़ी आ गई, ये खड़ी है पीछे वाली, ठीक है। तो गाइस बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा हम कहाँ कहाँ जाएंगे और काफ़ी मज़ा, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और बारिश हो रही है एक्चुअली, वेदर थोड़ा ख़राब है बट ठीक है, चलता है। तो मिलते हैं आपको। सो अभी लंच कर लिया है और अभी यहाँ से हम लीलम जाएंगे पहले टैक्सी से, और वो अप्रॉक्स 18 किलोमीटर है, सो आई थिंक 40 से 45 मिनट समय लगेंगे। और फिर वहाँ से हम जाएंगे पातू, और आई थिंक वहाँ से 2 घंटे हमें लगेंगे ट्रैक करने में। और आज स्टे है हमारा पातू में, तो वहीं पे रुकते हैं आज और देखते हैं कैसा रहता है। काफ़ी अच्छा होने वाला है एक्चुअली, वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। ट्रैक स्टार्ट हो रहा है रालम के लिए, भारत माता के लिए, भारत माता के जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये है हमारे ट्रैक के रखवाले पीछे तीनों लोग। पहुंच गए हम लीलम, ये देखिए अभी टैक्सी से उतरे हम, और ये यहाँ से रास्ता जा रहा है पूरा नीचे जाते हुए, और वो सामने ऊपर गांव दिख रहा है, वो है पातो। तो वहाँ जाना है आज और वहीं स्टे करना है पातो में, और फिर वहाँ से निकलेंगे हम कल सुबह आगे के लिए। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, ये देखिए, मतलब ये देखिए सब लोग उतरे हैं अभी टैक्सी से। आज इधर फिर उसके बाद तो बहुत आगे जाना है सर। हेलो, ये क्या ला जा रहा हो? ब्यूटेन? ब्यूटेन सर, ब्यूटेन खाना पकेगा है, सबको मिलेगा। और ये हमारे कविंदर भाई, सबको नहीं मिलेगा सर। ये देखिए हमारे पप्पू भाई, हाँ काफी मजा आने वाला है, एक्साइटेड हैं सब लोग। कभी हाय, हेलो, डाउन जा रहे हैं पहले पूरा प्रॉपर, फिर स्टार्ट करेंगे ऊपर की चढ़ाई, क्योंकि नीचे नदी है, नदी क्रॉस करनी है। ब्रिज है नदी पे ना? हाँ। अच्छा, सो नाउ वी स्टार्ट टू एसेंट फ्रॉम दैट रिवर एंड हाँ स्टीप तो है। देखिए इट्स अ रेस्ट पॉइंट, सो सब कोई रेस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि काफ़ी स्टीप था जो अभी पहला हमारा ये था ट्रेल। और ये देखिए एवरीवन इज टेकिंग रेस्ट, काफ़ी मज़ा आया मतलब चढ़ने में। यहाँ पे एक शॉप मिली है, यहाँ पे पानी भरना है क्योंकि पानी नहीं है किसी के पास में, ख़त्म हो गया। और पानी तो भर लो भाई,
यहाँ से नहीं दिख रहा पा तो किधर जाने, किधर की साइड है? ऊपर वाले में जहाँ धुआं आ रही है हल्के हल्के, वो जहाँ धुआं निकल रहा है उसके बैक साइड पे इसके ऊपर जाना और। अच्छा ऊपर जाके फिर बैक साइड पे और किधर जाएंगे हम, किधर से ये अच्छा पूरा टॉप करते हुए सही है। ओ वाटरफॉल अच्छा उधर से, ये तो अलग अलग जौहर वैली जा रहा है ना वो सामने वाला, कहाँ यही जौहर वैली इसी जाते हैं वाली। अच्छा वो पूरा पीछे जौहर वैली का है, हम इधर मुड़ गए बस इधर आ गए वाली रास्ता। तो ये वैली में, ये किसी वैली में आता है वाला? कौन सी वाली? ये जो ये जगह ये, हाँ ये बुई हुआ। अच्छा बुई, यू कैन सी कितना स्टीप है। हमारे पोर्टर वो देखिए वो नीचे हैं, वहाँ से भी ऐसे ऐसे करते 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 तब आना है। हेलो गाइस, एक और विलेज है, ये पातों में ही आता है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल विलेज है, वेरी ब्यूटीफुल। मजा आ गया। तो वो पॉइंट है जहाँ पे मैं टैक्सी ने छोड़ा था, फिर वहाँ से हम नीचे, यहाँ से सीधे एक नीचे रास्ता था और फिर इस पहाड़ी पे आए यहाँ से, और फिर यहाँ जिग जैग करते हुए यहाँ चढ़ते हुए आ रहे हैं, और अभी हमें यहाँ ऊपर जाना है उस पहाड़ी के क्रॉस करके हमारा स्टे आज। सो पहुँच गए आज पहला पड़ाव पातो। किधर है भैया आपका घर? यहाँ से थोड़ा पीछे। अच्छा हमें कितने घंटे लगेंगे हमें यहाँ पहुँचने में? वहाँ से 3 घंटे ना, सो अप्रोक्स 3 घंटे लगे हैं, और ये आई थिंक होगा 6 किलोमीटर के आसपास रोड से, है ना? हाँ 6 किलोमीटर तो ज़्यादा, 7 किलोमीटर हाँ, बट एक्चुअली स्टीप था काफ़ी, तो इसलिए 3 घंटे लगे हमें। बट या वी आर फाइनली रीच्ड पहला पड़ाव। पहुंच गए हम फाइनली पहले पड़ाव पे, आज यहीं स्टे करेंगे रात में। ये देखिए आप, चलिए भैया जूते लेके आ जाए अंदर। कोई बात नहीं। नाइस, ये देखिए आप कितना प्यारा, मतलब प्रॉपर गांव वाला घर है, फील आएगी पूरी। ये कमरा है अंदर, वाह नाइस, मजा आ जाएगा भैया रहने में, बहुत बढ़िया गांव घर में ऐसे होता है। हाँ गजब है, गजब। तो अब रात हो जाए तो अभी डिनर करेंगे फिर सोने की तैयारी। तो कल हम कितने बजे निकलने वाले हैं यहाँ से? बस 8 बजे 8 बजे करीब ना। कल दूसरा पड़ाव क्या है? लिंगुरानी। कितना किलोमीटर है वो सारे यहाँ से? 7 से 8 7-8 किलोमीटर ना, मतलब दिन तक पहुंच जाएंगे अपना लंच के टाइम तक। अच्छा थोड़ा स्टीप है, नीचे वाला स्टीप था यहाँ का बस, शुरू वाला जो वाला स्टेज। ये देखिए अब खाना, डिनर स्टार्ट हो गया हमारा, बस उसके बाद सोएंगे हम, खा के थोड़ा बहुत गेम खेलेंगे। और ये देखिए क्या माहौल बना हुआ है, मस्त। ये देखिए अच्छा वाह यार, पहाड़ी खाने का अलग ही मजा है। और ये देखिए तो गाइस ठीक है, आज का दिन हुआ यहीं पर समाप्त, कल फिर मिलेंगे आप लोगों को नए सफर के साथ। धन्यवाद।